अब एक और नुस्खा है, जिनकी एज, अब हम उनकी बात करते हैं, जिनकी एज 60 साल है और उन्हें ज्वाइंट्स की वजह से इशू होने वाला है, अभी हुआ नहीं है लेकिन अगर 60 साल से गुजर गए तो कद छोटा हो जाएगा 1-2 मिलीमीटर, और फिर वो रिंकल, जो कि स्किन लूज हो जाएगी, वो रिंकल की सूरत में सामने होगी। एक चीज़ है रॉयल जेली, रॉयल जेली का तस्करा कुरान हकीम में है और सूरह नहल आयत नंबर 68 और 69 में शहद की मक्खी और उसकी बाई प्रोडक्ट्स का जिक्र है कि वो क्या क्या बनाती है, क्या क्या चीज़ें उसके पेट से निकलती हैं, उसके मुख्तलिफ कलर्स होते हैं। और डॉक्टर खालिद गजनवी ने और दीगर साइंसदानों ने जर्मनी के खासूर से, उन्होंने इसको करार दिया कि इसके, चूंकि वहाँ ये जिक्र है जिसका मफहूम है कि इसके पेटों से मुख्तलिफ किस्म के, मुख्तलिफ कलर की पीने की चीज़ निकलती है, पीने की चीज़ें निकलती है, मुख्तलिफ चीज़ें। तो जब इसके छत्ते पे इस आयत की रोशनी में रिसर्च की, जर्मनी के कोलोन कंपनी में विलहेम GmbH ये कंपनी थी जिसने इस आयत पर रिसर्च की 1948 में, और उन्होंने देखा पहली बार दुनिया को ये पता चला कि शहद की मक्खी के छत्ते में सिर्फ शहद नहीं होता बल्कि 5 और प्रोडक्ट्स होती हैं जो उसके पेटों से खारिज होती हैं। और ये भी पता चला कि एक, चूंकि आयत में ये था कि यखरुजू मिन बुतूनिहा, तो लोग उसका तर्जमा करते थे पेट, क्योंकि वो हैरान थे कि एक जानदार के एक से ज्यादा पेट कैसे हो सकते हैं। खुद हमारे उलमा कराम ने सारी रिसर्च के बाद एक पेट का जिक्र किया। उस कंपनी ने ये कहा कि ये एक पेट नहीं, बतून मीन्स ज्यादा पेट। तो उन्होंने ये वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उन्होंने कहा एक शहद की मक्खी के 11 पेट होते हैं वाह वाह और उन सुभान अल्लाह, 11 पेटों से ये 6 मुख्तलिफ किस्म की, मुख्तलिफ कलर की चीज़ें निकल रही हैं जो छत्ते में रखी जाती हैं। तो ये रॉयल जेली का हम तस्करा कर रहे हैं कि इनमें से एक रॉयल जेली है। रॉयल जेली क्या है? जो शहद की क्वीन बी होती है, मलका मक्खी होती है, ये उसकी गिजा होती है। अब ये इतनी ताकतवर है कि मैं कहूँगा कि जिन्हें, जिनकी एज अब 58-59 हो चुकी है, वो आज से रॉयल जेली अमेरिका में, कैनेडा में, यूरोप में, अरब में बहुत बहुत दस्तियाब है। कई कई किस्म कैप्सूल्स है और इसकी पेस्ट है इसके, और खालिस रॉयल जेली भी दस्तियाब है। लेकिन जो बेहतरीन रॉयल जेली है वो शहद, शहद में मिली होती है। जब कंपनियां शहद के छत्ते के पास जाती हैं तो शहद लेकर जाती हैं, खास वो फार्मूला होता है, तो वो छत्ते से निकाल कर बराह रास्त शहद में मिलाती रहती हैं। अब ये शहद में मिली हुई रॉयल जेली, इसका 1 टीस्पून सुबह नहार मुँह खाना है, रोज़ाना। इसका तरीका ये होगा कि 1 गिलास पानी अपने पास रख लीजिए रूम टेम्परेचर का, आधा गिलास पी लीजिए, 1 टीस्पून रॉयल जेली मिला हुआ पेस्ट, शहद में मिली हुई रॉयल जेली, इसका खाकर चाट कर इसको, और इसके ऊपर आधा गिलास मजीद पानी पी लीजिए। ये आप रोजाना करेंगे तो इसका एक सबसे बड़ा फायदा क्या है कि आपकी जो हाइट कम होने वाली है वो 90% रुक जाएगी, 10% कम होगी, और वो 10% का आप पे असर नहीं होगा क्योंकि आपने माशाल्लाह ये रॉयल जेली, आप जैसे कि इमरान खान साहब ने कहा कि यू कैन शायद यू कैन स्लो नॉट द, स्टॉप इट बट यू कैन स्लो इट डाउन। कैन स्लो इट डाउन, तो यू कैन रियली स्लो इट डाउन विद रॉयल जेली। तो रॉयल जेली के साथ ये आपने ये समझे कि 58 से आप शुरू कर दें, और जब तक अल्लाह ने जिंदगी है 60-70-80 साल तक ये उसका इस्तेमाल करते रहें। अब यही अच्छा रॉयल अच्छा जेली इसमें डॉक्टर साहब, इसमें एक सांस चीज होते थोड़ी वक्त सी, इसी तरह इसमें होती थोड़ा सा जरा ये बताइएगा कि आपने फरमाया कि इसको पहले आपने चाटना है और फिर बाद में है। पानी पीना है इसको, लेकिन आप इसको मिक्स नहीं कर सकते ग्लास ऑफ वाटर में? नहीं, हाँ ये बहुत अच्छा सवाल है। ये अगर हम ग्लास ऑफ वाटर में करेंगे तो ये एक जेली है, ये ग्लास के साइडों पे लग जाएगी और बहुत कम मिकदार आपके यानी के जिस्म ठीक में जा ठीक ठीक पाएगी, तो इसलिए इसे इसे टी स्पून के साथ इसको चाट लिया जाता है। एक और अहम बात जो आपके सवाल से मेरे जहन में आया है कि रॉयल जेली या शहद की मक्खी की किसी भी प्रोडक्ट में मेटल गिलास और मेटल और मेटालिक ये जो स्पून होते हैं, धाती चमचे वगैरह, अल्मोनियम के, सिल्वर के और ये स्टील वगैरह के इस्तेमाल नहीं किए जाते, उसका काफ़ी रिएक्शन होता है जो कि नेगेटिव होता है। इसमें प्लास्टिक, वरना तो कदीम ज़माने में तो लकड़ी के चम्मच और लकड़ी की चीज़ें इस्तेमाल होती थी, लकड़ी के, अब तो ये वुडन स्पून बहुत मिल रहे हैं, या फिर इसका खास स्पून होता है शहद के हवाले से, वो गोल सा आपने देखा होगा शहद की मक्खी के डिज़ाइन का, वो जगह जगह वो मिलता है। तो इसमें प्लास्टिक जो कि हमारे पास होता है प्लास्टिक का चम्मच, तो प्लास्टिक का चम्मच इस्तेमाल किया जाए और शीशे का गिलास इस्तेमाल किया जाए और इसे चाट कर और ऊपर से पानी पी लिया जाए।
अब यही रॉयल जेली जो शहद से मिली है, ये रात को उसी तरह फेस वॉश कीजिए, और रॉयल जेली 2 ग्राम और शहद 1 टीस्पून, इसको मिक्स करके रात इसी तरह चेहरे पर लगाइए। अब ये दो किस्म के, यहाँ हम चेहरे की बात कर रहे हैं, एक तो वो जो 60 ईयर्स के हो चुके हैं और उनके चेहरे पर रिंकल्स अभी हल्के से नमूदार हुए हैं 5%, लेकिन उस वो अगर लगाएंगे तो इंशाल्लाह 2 माह के अंदर उनका ये चेहरा और उसकी इलास्टिसिटी वापस आ जाएगी और वो चेहरा फिर से रिंकल फ्री हो जाएगा। लेकिन अगर किसी के चेहरे पर रिंकल आ चुके हैं और झुर्रियाँ बहुत सारी बन चुकी हैं, गर्दन पे बन जाती है, और क्योंकि नुमाया ऐसे तो यही है, तो इसमें दो रिंकल्स को खोलकर, यानी दो उंगलियों से रिंकल को खोलना है और दूसरे हाथ से उन रिंकल के बीच में इस रॉयल जेली के पेस्ट को लगाना है सारा। इसको आप आंखों के गिर्द भी लगा सकते हैं। इसरार कसाना साहब, हमने बुजुर्गों को ये माशाल्लाह ला कर दिया पाकिस्तान, अल्हम्दुलिल्लाह 2-2, 3-3 माह में वो रिंकल्स जो है वो खत्म होना शुरू हो गए, और 6-7 माह के बाद मुकम्मल रिंकल खत्म हो गए, गर्दन तक से रिंकल खत्म हो गए 6 से 7 माह के अंदर, और फिर वो रॉयल जेली खिलाई गई उनको माशाल्लाह। तो ये ऐसे नुस्खे हैं अल्लाह ताला ने जो दिए हैं, और हमें तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये नुस्खे हमें अल्लाह ने अता किए, ये इतने बड़े एहसानात।